क्या रे दोस्तों, वेलकम बैक हो गया आपका डे वन व्लॉग वन में। आई होप कि आप सब इंजॉय कर रहे होंगे लॉन्ग वीकेंड। अभी तो हम निकले हुए हैं स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करने के लिए और शाम में हम जाएंगे चोरसू बाज़ार, जाएंगे म्यूज़ियम देखेंगे, यहाँ के टेलीविज़न टावर्स वगैरह देखेंगे। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे बज रहे हैं 2 और 2 बजे जो है वो इतनी गर्मी नहीं है जितनी गर्मी दुबई में होती है। मौसम यहाँ बहुत अच्छा है, 30 डिग्री है। मैंने बोला थोड़ा सा होटल के इर्द गिर्द एरिया देख लें और एक्सचेंज करा लें। मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ, यहाँ के नोट्स हज़ारों में होते हैं। लाइक मेरे पास कुछ है 12,000 और $1 यहाँ बनता है 12,000 $1, ये $1 है मेरे पास। और अगर मैं $50 या $100 कराता हूँ तो मिलियन बन जाता है। तो मतलब मिलियन आप पॉकेट में ऐसे लेके घूमते हो जैसे बहुत आम है। और मैं देखा 15,000 की यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह है, कोक 7 अप वगैरह, तो फिर चीज़ें भी उसी हिसाब से। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे जो है वो शॉप्स बनी हुई है, आर्किटेक्ट देख सकते हो यहाँ का, बसेस देख सकते हो और काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। ताशकंद, बुखारा, समरकंद, तो हम कोशिश करेंगे उन सिटीज़ में भी जाएं और आपको बताएं। तो अभी मैं जाता हूँ एक्सचेंज कराता हूँ, शाम में मिलते हैं जब मैं निकलूँगा चोरसू बाज़ार के लिए। ठीक है, टेक केयर। तो ये आइसक्रीम पार्लर है, यहाँ पे आप प्राइजेस देखें, 7,000 की आइसक्रीम है 7,000 होते हैं ऑलमोस्ट $0.50 और ये पूरा इनका सेटअप है। चलो हमारे दोस्त लोग कुछ आइसक्रीम ले रहे हैं तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये हमारे उसामा भाई जो है वो आइसक्रीम ले रहे हैं। मेक सम ऑफ दिस और ये ट्रॉफी। या दैट्स इट। 7,000 रुपए की आइसक्रीम है ये। कूल मैन। ये जो है ना 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए के नोट है, लाख लाख की 5 नोट है और ये है $50 मुझे भी मिले हैं। और करेंसी आप अगर देखोगे तो वैल्यू ही नहीं है यार इनकी। लाइक 20,000 के ड्रिंक्स हैं यहाँ पे, पेप्सी बड़ी वाली लोगे तो 20,000 की है। तो देखो इकोनॉमी जो है वो नीचे है लेकिन रोड्स वगैरह सारी चीज़ें, मेट्रो वगैरह सब कुछ इतनी बेहतरीन है। तो आज का ये हमारा आउटफिट है, तो निकलते हैं एडवेंचर के लिए। दोस्तों तो अब हम आ गए हैं तैमूर स्क्वायर पे। ठीक है, ये जो पार्क है ये तैमूर स्क्वायर है और इसके सामने ये होटल उज़्बेकिस्तान है। ये जो है वो सोवियत टाइम का होटल है और जब सोवियत यहाँ पे थी USSR तब उन्होंने ये होटल बनाया था। अभी हम चलते हैं रोड क्रॉस करके अंदर और ये पार्क चेक करते हैं जिसके अंदर जिसको तैमूर स्क्वायर भी कहते हैं और अंदर एक स्टैचू भी है उसका, तो वो भी कैप्चर करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो थोड़ी सी वॉक करने के बाद जो है वो हम इस पार्क में आ गए जिसको तैमूर स्क्वायर कहते हैं और इस जो है आमिर तैमूर को तैमूर लंग भी कहते हैं क्योंकि ये एक टांग से जो है वो माजूर था और आई थिंक इसकी इसका जो घोड़ा है उसकी एक टांग ऊपर है, तो मतलब ये शायद जंग में इसकी डेथ हुई हो तो 2 टांगें ऊपर होती है तो उसका कोई और कॉन्सेप्ट होता है। इसको फ्रंट से भी कैप्चर मान सकते हैं कि इसने सिर्फ एक टांग के साथ आधी से ज़्यादा दुनिया फतह कर ली थी, आमिर तैमूर। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था एक टांग ऊपर है तो इसका मतलब अभी मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो है किसी बीमारी से इसकी डेथ हुई। बीमारी से डेथ होती है तो एक टांग ऊपर होता है, दोनों ऊपर होती है तो इसका मतलब है कि वो जंग में शहीद हुआ है। तो 1405 में सर्दी कोल्ड की वजह से इसकी डेथ हो गई थी जब ये चाइना पर हमला कर रहा था। तो आधे लोगों के लिए हीरो है, आधे लोगों के लिए विलन है, इसी को कहते हैं हम जियोपॉलिटिक्स। तो चलो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के चलते थोड़ी सी वॉक करके हम इस मार्केट की तरफ आए जहाँ पे कुछ गेम स्टॉल है और सामसा शॉप है। एक्चुअली समोसे को यहाँ पे सामसा बोलते हैं और हम कोशिश करेंगे हम वो भी ट्राई करें। और ये स्ट्रीट है बाकू में सेम ऐसी स्ट्रीट थी, निज़ामी स्ट्रीट, और आई थिंक जॉर्जिया में भी ऐसी स्ट्रीट्स होती है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और शॉपिंग करते हैं, ऑफ कोर्स खाने वगैरह खाते हैं। ला मेहर है हमारे पास दुबई के अंदर, इसके अलावा ग्लोबल विलेज है। तो देखें यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो टेबल टेनिस के
टेबल भी लगे हुए हैं ताकि यू कैन, पर इतनी हवा में ये खेलेंगे कैसे। खैर बहरहाल यहाँ से आप फ्रेंच बैंगलेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। हाँ यार याद आया, हमें भी एक फ्रेंच बैंगलेट ख़रीदना है, तो चले वो देखते हैं और आगे की मार्केट भी एक्सप्लोर। मैंने ले लिया है, 1 लाख रुपए की नोट दी हमने इस भाई को और ये अभी 80,000 का चेंज लेने गया है अंदर। ये भाई से हमने ये बाई किया है फ्रिज मैग्नेट और ये देखो 80,000 ये हमें वापस करेगा। 50,000, 60, 70, 80। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय। चलो आगे की तरफ चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है वो ये शूट क्लब है, वहाँ पे गन से है, यहाँ से एरो है, नाइस। फिर यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं, तो ये तो सिटी वॉकिंग टेल्स है, हर सिटी की कोई ना कोई ख़ास जगह होती है। हम बिल्कुल वो स्टार्ट से वॉक करते हुए आ रहे हैं बाज़ार में। यहाँ पेंटिंग्स भी काफ़ी डिस्प्ले पे है, उस साइड भी है और वो पीछे की साइड भी है, यहाँ भी है। तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे है। बाज़ार के बाद जो है वो हम जा रहे हैं इंडिपेंडेंस स्क्वायर, जो कि यहाँ है एज़ फार एज़ आई नो, लेकिन इसको करीब से एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि सामने से शिद्दत से सूरज की रोशनी। ओके, तो यहाँ बिल्कुल करीब से ये इस तरह से कुछ दिखता है और ये जो सिंबल है, सिंबल पीस का है, विजडम का है। और यहाँ पे जो रास्ता जा रहा है ना, उसके बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं आगे चल के आपको दिखा के। तो यार बहुत धूप है इस साइड पीछे, इसकी वजह से वो मॉन्यूमेंट कवर नहीं हो पा रहा, आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन उसमें मदर विद किड्स बने हुए, बच्चों के साथ एक माँ बनाया हुआ है, जिसका मकसद ये है कि जो उज़्बेकिस्तान है वो मदरलैंड है और उसने जो है वो सारे, मतलब जितने भी यहाँ लोग रहते हैं उनको बच्चों की तरह रखा है। मैं फिर से ट्राई करता हूँ, लेकिन ये जो सामने मेटल पे नाम लिखे हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे उन सोल्जर्स के नाम हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिनकी डेथ हो गई थी। और ये पूरी इस तरीके से कुछ 20-25 सेक्शंस है जिसमें लिखा हुआ है, देखिए 1994-1943, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन जिन की डेथ हुई थी उनकी नाम पे। ये जो फायर लगाई है तो ये उन्हीं सोल्जर्स के दुख में लगाई है। और उसी के सामने आप ये एक स्टैचू देखोगे, एक मदर का है जो उदास है। और इसके बराबर में लिखा है, ये जो लिखा है, ये लिखा है कि तुम लोग हमेशा मेरे दिल में रहोगे। तो जो डेथ होती थी उसका लेटर आता था घर पे, जिसको ब्लैक लेटर कहते थे, और हर कोई उस लेटर से डरता था क्योंकि वो नहीं चाहते थे ना कि उनके लव वंस जो है, उनके बेटे, उनके भाई, उनके हस्बैंड, वो वॉर में शहीद हो या उनकी डेथ हो जाए और उनको फिर लेटर आए। तो ये उस वजह से, और ये जो लिखा हुआ है ना, यू विल ऑलवेज़ रिमेन इन माई हार्ट, ये इसी वजह से लिखा हुआ है कि तुम लोग जो हो हमेशा हमारे दिल में। ना कमाल की हिस्ट्री, हिस्टोरिकल प्लेस है, इससे ज़्यादा बुखारा और समरकंद हिस्टोरिकल है। और थोड़ी सी भूख लग रही है तो चलते हैं कुछ खाते हैं, चाय, समोसा या समासा करके बोलते हैं समोसे को, ही थोड़ा बड़ा होता है और बनता है तंदूर के अंदर, तो चलो वो खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं उसका टेस्ट कैसा है। मेरे सामने है एक लेक, ठीक है, लेट मी शो यू गाइस, ये है लेक। और लेक के उस साइड पे जो है, दो साइड है लेक की बेसिकली, लेक की सेकंड उस वाली साइड पे जो है ना, वो रशियंस रहते थे बैक इन 1940 या 1945, एग्जैक्टली मुझे डेट्स पता नहीं है। तो वहाँ का सारा आर्किटेक्ट रशिया जैसा मिलेगा। इसके अलावा ये एक मॉस्क है जो पूरी मार्बल से बनी हुई है। इसके अलावा जितनी भी मॉस्क है वो ब्रिक से बनी हुई थी पहले पुराने ज़माने में, बस ये एक ऐसी मॉस्क है, वाइट मॉस्क कहते हैं इसको, और मीनार मॉस्क इसका नाम है। तो इसको अंदर से चल के देखते हैं, शायद अंदर जाने वाला सीन नहीं है, बाहर से ही आप वीडियोग्राफी वगैरह कर सकते हो। तो इस जगह की ये एक वो है खासियत है कि रिवर के उस साइड रशियंस थे और इस साइड जो उज़्बेक लोग थे पुराने, वो रहते थे। और खाना खाने चलते हैं, कुछ खाते हैं स्नैक्स वगैरह, फिर आपको इसके बाद एक मैजिक सिटी करके वहाँ ले जाते हैं। ये तो पेटीज़ है, यहाँ के लिए समोसा है, हमारे लिए पेटीज़ है, लेकिन है बहुत टेस्टी। उसके अंदर आप देखोगे चिकन वगैरह जलेबी है और चटनी भी मिल जाती तो मज़ा आ जाता। मालिक
लेकिन चलो इससे ही गुजारा करते हैं, ख़त्म करते हैं, फिर चलते हैं मैजिक सिटी। ओके ओके दोस्तों, तो ये था हमारा पार्ट वन सिटी टूर का, और भी काफ़ी जगहें हैं, लेकिन अभी बज रहे हैं 8:30 और रात हो गई है, मज़ा नहीं आएगा उसको कवर करने में, तो हम कोशिश करेंगे कि डे टाइम में या इवनिंग टाइम में उसको कवर करके आपको बताएं। तो मिलते हैं कल, कल हम जा रहे हैं दूसरी सिटी जो कि समरकंद है, और आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय।